नमस्कार, मैं नीलेश अग्रवाल, फिजिक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा से। अभी COVID-19 के दौरान स्कूलें जो है वो प्रॉपर अभी शुरू नहीं हुई है, तो अभी ये चल रहा है कि किस प्रकार से परीक्षाएं ली जाएंगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। बच्चे कुछ इस बारे में भ्रमित है कि परीक्षा का पैटर्न जो हर साल होता है उसी आधार पे पेपर बनेगा या कोई नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए एक ऑर्डर गवर्नमेंट ने जारी किया है जो इसी महीने दिसंबर में आया है, उसमें इसी महीने जारी हुआ ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर है मेरे पास। इस ऑर्डर को देख के मैं आपको बता रहा हूँ, सारी सूचना ऑथेंटिक है बिल्कुल। राज्य सरकार के द्वारा बीकानेर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें ये दे रखा है कि इस बार कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आएंगे। इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये है, मुख्य बात, कि इस बार परीक्षा में ये बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। बहुवैकल्पिक का मतलब आप जानते होंगे कि जिनमें ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है भाई कौन सा सही है। निम्न में से दे दिया बल का मात्रक क्या है और दे दिया दो चार ऑप्शन दे दिए कि जूल है, न्यूटन है, क्या है, इस तरह से। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे। ये मुख्य बात इस बार ऐड की गई है बच्चों को पेपर पैटर्न आसान करने के लिए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। अति लघुतरात्मक आते थे जिनमें एक शब्द में एक लाइन में आंसर देना होता है, ऐसे आते थे, लेकिन बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है वो कभी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको कहते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए। तो सबसे पहली बात, पेपर पैटर्न के अंदर बिल्कुल कंफर्म है ये, मैं बिल्कुल आदेश देखकर फिर आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्डर मेरे हाथ में, इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों को जोड़ा गया है और परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे अभी ये पता नहीं है, इसकी बात करेंगे हम आगे। फिर उसके बाद अन्य अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये आएंगे। लेकिन इनमें भी क्या किया गया है, इनमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि एक तो आंतरिक चयन की व्यवस्था हो, इसके अंदर आंतरिक चयन की व्यवस्था हो, या इसके अलावा कोई दो दे दिए जाए, ऐसे दे दिए जाए, या कोई दो, ऐसे कोई दो ऐसे दे दिए जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक क्वेश्चन जैसे अब तक आता था क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इन चार जो क्वेश्चन होते थे इसमें एक ऑप्शन में आता था, बीच में या लिखा और लिखा आता था कि आप इन दोनों में से कोई कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है जैसा चल रहा है। दूसरा ऐसा भी खंड बढ़ा के भी आ सकते हैं कि आपको भाग सी दे दिया, उसमें पांच क्वेश्चन है, कहते पांच में से कोई तीन करो, चार दे दिया, चार में से कोई दो करो, ऐसा भी आ सकता है। ये व्यवस्था इस बार पेपर में रहेगी, तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखें। पेपर का जो पैटर्न है उसके लिए जो मॉडल पेपर बोर्ड तैयार करता है वो मॉडल पेपर 15 जनवरी 2021 के उपरांत उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्कुल साफ साफ लाइन लिखी गई है इसके अंदर, विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना पैटर्न अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी 2021 के बाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 15 जनवरी 2021 के बाद में ये पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन तो बहुवैकल्पिक आएंगे, कितने अतिलघुतरात्मक आएंगे, कितने निबंधात्मक आएंगे, कितने उनमें और वाला ऑप्शन आएगा या कोई दो वाला ऑप्शन आएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितने नंबर के। जैसे अब तक क्लियर था, अभी 1 से 13 तक के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, इसके अंदर अभी केवल क्या दिया गया है कि किस तरह से तैयारी करनी है ये दिया गया है। पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये अभी तक नहीं दिया गया है। इसके लिए मॉडल पेपर जो 15 जनवरी के बाद अपलोड करेगा बोर्ड, उसके आधार पे आपको मैं आपको सूचना दे दूंगा, बिल्कुल वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आप पता कर सकते हैं। अभी आप ये ध्यान रखें कि लगभग बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब तरह के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उनमें ऑप्शन जो बढ़ाए जाएंगे। इस तरह से सिंपल सी बात है कि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या, जो पहले निबंधात्मक कितने तीन क्वेश्चन आते थे, 28, 29 और 30, चार चार नंबर ही, उनकी संख्या कम कर देंगे, कम कर देंगे तो उनके नंबर दूसरी जगह ऐड कर देंगे, ठीक है। मार्किंग वही रहेगी, टोटल मार्क्स उतने ही रहेंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 14 नंबर 17 अंक होंगे, उसके अलावा 56 नंबर का
पेपरों में। तो ये पैटर्न जरूर आप ध्यान रखें, जैसे इसके जो नमूने प्रश्न पत्र मॉडल पेपर आएंगे वैसे ही आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा।